सो गाइस वेलकम बैक टू लविंग एक्वेटिक्स। तो आज हम बनाने वाले एक्वेरियम लाइट स्टैंड जो कि हम अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बनाने वाले हैं। तो फटाफट से इसके बारे में आपको बता दें तो ये मैंने ग्लास का बनाने वाला हूँ और इसका जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता दूँ, ये समथिंग अराउंड 27x10 इंच का मैंने बनाया है, 27x10 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है और इसकी थिकनेस जो है 6 mm। आई नो आपको थोड़े एजेस अच्छे नहीं दिख रहे हो क्योंकि मैंने घर पर कट किया है ग्लास को, यह वैसे ही वेस्ट पड़ा हुआ था। तो ये जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ये मैंने 4 mm की जो लाइट ब्लॉक करने के लिए मैंने यूज़ किया है, एज एज पे हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं और ये ऐसे, तो जैसे लग गए ये जो हमारे हैं वो साइड स्टैंड आने वाले हैं जो मेन सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ उसी साइज़ के अराउंड मैंने कट किया है, जैसे कि 10x15 इंच का मैंने कट किया, 15 सेंटीमीटर का मैंने कट किया, जैसे साइड में आने वाले हैं और उसे सपोर्ट करने के लिए हम उस ब्रेसेस को यूज़ करने वाले, ये वाले ब्रेसेस, ये मैंने काफ़ी छोटे से कट किए एज आ सपोर्ट की मैंने यूज़ करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं जो साइड में, और एक काफ़ी अच्छी लुक भी देगा उसके साथ, और उसी के साथ आपको मतलब एक सपोर्ट भी मिलने वाला है। जो मिड ब्रेसेस है वो पक्का नहीं है मैं लगाने वाला हूँ क्योंकि खास अच्छा नहीं दिख रहा था, तो फटाफट से इसे बना देते हैं। और एक बात, ये जो ग्लास है वो आपको मतलब इवनली काफ़ी अच्छे से डिटेल नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने घर पे कट किया इसे, और ये आप अगर कर रहे हो तो संभाल के कीजिए क्योंकि बहुत बार मैंने अपना हाथ काटा है अगर आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा तो। और जो आप अगर कर रहे हो, अगर आप छोटे हो तो आप किसी बड़े को साथ लेकर ही कीजिए, अकेले में इसे ना करें क्योंकि अगर ग्लास गिर के टूट जाए तो आपको कहीं पर भी चोट लग सकती है। तो फटाफट से हम इसे बना देते हैं। और एक बात, ये जो साइड के ब्रेसेस में लगाने वाला हूँ इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी बार हमारी जो लाइट है वो हर जगह स्प्रेड हो जाती है, वो ना स्प्रेड हो और पूरी फिस टैंक पे पड़े, उसके कारण मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। ये बेसिकली एक साइड से कम्प्लीटली ब्लैक है और दूसरे साइड से कुछ ग्लॉसी टाइप है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण मतलब जो लाइट है वो हमारी आँखों पर नहीं आएगी, सीधा फिस टैंक पे ही जाएगी, तो उसका मेन रीज़न ये है। तो फटाफट से इन्हें लगा देते हैं। तो हमने ये चिपका दिया है, अभी हम इसको साइड स्टैंड लगाने वाले हैं जो मेन स्टैंड है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल से बता दूं तो सिलिकॉन हम साइड में लगाने वाले हैं और उसके साथ ये जो सपोर्ट है तीनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जो ब्लैक कलर के ग्लास ट्यूब्स है वो भी उन्हें सपोर्ट देंगे और जो हमने ब्रेसेस कट किए हैं वो भी आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा उससे। तो फटाफट से बना देते हैं। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और जो मिड सेंटर में जो ब्रेसेस हम लगाने वाले थे उसे मैंने लगाया नहीं, उसे मैंने हटा दिया क्योंकि काफ़ी अच्छे भी नहीं लग रहे थे और जो मतलब कुछ अच्छे से लुक भी नहीं दे रहे थे और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने सिर्फ उन्हें सपोर्ट के लिए ऐसे टेम्परेरी रखा था और उसके बाद मैंने उसे निकाल भी दिया। तो इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ देते सूखने के लिए फटाफट और हम 24 आवर्स के बाद मिलते हैं। तो अभी यहाँ 24 आवर्स हो चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं मैंने ब्रेसेस सामने मिड ब्रेसेस हटा दिए हैं और यहाँ पर जो मैं लाइट्स यूज़ करने वाला हूँ ये एक आपको ऑप्शनल है, अगर आप चाहते जो चाहे लाइट यूज़ कर सकते, ये वाले 100 वॉट्स की है, ये एक ही अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, मैं इसे नहीं लगाने वाला हूँ, एक बजट होने वाला है इसीलिए मैंने जो पुराने LED लाइट्स है उनके मैंने निकाल दिए और जो हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए,
तो ये तीन 9 वॉट्स के LED बल्ब्स है जो हम तीनों सीरीज में हम लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा तो ये मैंने ऐसे कुछ लगाने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं सिलिकॉन से लगा देता हूँ। इनका हीट का कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके हीट सिंक और जो है और जो थर्मल पेस्ट है वो उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है और सिलिकॉन भी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो फटाफट से इन्हें लगा देते हैं, तो मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ। और एक बात, आप यहाँ पर फेविक्विक यूज़ कर सकते हैं लेकिन हॉट ग्लू गन ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप हॉट ग्लू गन यूज़ करेंगे तो हीट होने के बाद मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टेप का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि यहाँ पर फिलहाल उन्हें चिपकाए रखने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन सूखने में टाइम लेता है, जिसके कारण आपका मतलब जो बल्ब है उस कहीं और तरफ जा सकता है। तो टेम्परेली हम इसे लगाने वाले हैं, उसके बाद हम इसे हटा देने वाले हैं। निकालने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा गंदा सा लग रहा है आपको। तो अभी हमारे हो चुका है और इसे हम सूखने के लिए 6 घंटे के लिए रखेंगे। 6 घंटे इसलिए क्योंकि बल्ब हीट होने के बाद अपने आप सिलिकॉन ड्राई हो जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, तो यहीं मैं कट कर रहा था, जो मैंने अभी अभी फिलहाल ग्लास कट किया, जिस कारण अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे से थोड़ा सा कट आ गया। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप किसी बड़े को साथ लेकर ही करें और संभाल कर इसे यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर कट मुझे फिलहाल तो छोटा लगा है, कभी कभी आपको कुछ ज़्यादा डीप कट भी हो सकता है। ऑल द लुक्स इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े चांसेस भी होते हैं डैमेज होने के, क्योंकि मैंने ग्लास साइन करना मैं एक तरफ भूल गया था। तो अगर आप कहीं से ग्लास कट करके ले रहे हैं तो उन्हें कहीं काफ़ी ज़्यादा सैंड करें, कम्प्लीटली उसे राउंड करें, ताकि आपको कहीं पर चोट ना लगे। तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं 6 घंटे के लिए। उसके बाद हम सीधे हमारे टैंक के ऊपर लगा के आपको दिखाने वाले हैं, तो फटाफट से मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पिस्टन के ऊपर लगा दिया है, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लुक्स भी दे रहा है। और इसे मैंने अपने टैंक के ऊपर रख दिया है और ये समथिंग अराउंड 9+9+9 वॉट्स का जो 3 बल्ब्स मैंने यूज़ किए हैं, तो फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपको लाइट मिल रही है। ये समथिंग अराउंड 6500 केल्विन के जो बल्ब है वो मैंने यूज़ किए हैं। अगर आप चाहते तो बीच में आप थोड़े से ब्लू और रेड स्टेन दे सकते हैं, जिसके आपको मजेंटा टाइप कलर आपको मिल जाएगा, वॉयलेट टाइप। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको मतलब जो लाइट है वो भी काफ़ी अच्छे से इवनली स्प्रेड होते हुए मिल रहे हैं, हर एक कोने में आपको लाइट जाती हुई दिख रही होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।